आइए देखते हैं ग्रहों की स्थिति को। तो देखिए, आप देख सकते हैं आपके प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में बुध सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो राशि लिखी है ना सातवीं, ये सातवीं राशि है। राशि मतलब एनर्जी, यहाँ पर तुला की एनर्जी है, पर भाव ये तृतीय भाव ही है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य बुध और केतु, तो आप देख पा रहे हैं कि सूर्य यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये इसलिए है क्योंकि सूर्य 16 तारीख तक तुला में है, उसके बाद वृश्चिक में आ जाएंगे। बुध 21 तारीख तक तुला में है, उसके बाद वृश्चिक में आ जाएंगे, और केतु पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र लगभग पूरे महीने धनु राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करते रहेंगे, और गुरु और शनि छठे भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इसमें से गुरु जो है 21 तारीख तक रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो लोग ज्योतिष में उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि ये आखिरी बार है जब गुरु और शनि मिल रहे हैं फिलहाल में। इसके बाद एक बार जब गुरु 21 तारीख को जाएंगे, फिर आगे निकलते चले जाएंगे, क्योंकि शनि की जो गति है, जो स्पीड है, वो थोड़ी धीमी है। तो फिर जाके 2039 में मई के आसपास कहीं सिंह राशि में जाके ये मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और पिछले एक दो साल से जो ये जो साथ में आए हैं आपस में, ये बहुत बड़ा चेंज भी लाए एक वर्ल्ड में, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद देखिए, अष्टम भाव नवम भाव खाली है, दसम भाव में आपके राहु चल रहे हैं वृषभ राशि में। दसम भाव में राहु को अच्छा माना जाता है, गोचर में भी, जन्मपत्री में भी, और कहा जाता है राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में, वो कहने का तरीका है। पर यहाँ थोड़ा सा ये भी जरूरी है कि जिस राशि में राहु है उसका राशिपति अच्छे से बैठा हो कुंडली में, और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो। तो दसम में राहु राजयोग कारक होता है। एकादश और द्वादश भाव आपका खाली है, तो ग्रहों की स्थिति होगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य जो है आपके लग्न के स्वामी है, और तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। सूर्य का तृतीय भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। वहां पर मंगल है, मंगल का गोचर भी तृतीय भाव में अच्छा है। बुध है वहां पर, बुध का भी गोचर तृतीय भाव में अच्छा है। तो एक तरह से तृतीय भाव में कई ग्रहों के गोचर हैं पहले महीने, महीने के पहले हाफ तक लगभग, क्योंकि मंगल तो पूरे ही महीने रहेंगे, बुध यहाँ पर 21 तारीख तक हैं, और सूर्य 16 तारीख तक हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य तृतीय भाव में आपको पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, आपको चीज़ों को करने की क्षमता देता है, अंदर से एनर्जी अच्छी रहती है, व्यक्ति प्रयास करता है। जन्म का सूर्य तब भी बहुत महत्वाकांक्षी मेहनती व्यक्ति होता है, पर हाँ थोड़ा सा कभी कभी ये रह सकता है कि भाई छोटे भाई पड़ोसियों के साथ उतना घनिष्ठ संबंध ना हो, थोड़ा बहुत निराशा रिश्तों में, खास करके आसपास वाले जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे रह सकती है, छोटे भाई बड़े भाई बहन से भी हो सकती है, क्योंकि तृतीय भाव का मतलब सहोदर, एक ही पेट से पैदा होने वाले, तो उसमें बड़े भी आते हैं कहीं ना कहीं, पर बड़े को ज़्यादातर 11वें भाव से ले लेते हैं, बड़े भाई बहन और आपके साथ में काम करने वाले ये। पर वैसे ऊर्जा देता है भले ही नीच का हो, पर अगर तृतीय भाव में है, मंगल भी है यहाँ पर, तो ये आपको एनर्जी काफ़ी रहेगी, आप प्रयास बहुत कर सकते हैं, हार्डवर्क करने की आपके अंदर से एक एम्बिशन आएगी, अंदर से आता ना व्यक्ति को कुछ करना है उस तरह से। सूर्य यहाँ लग्न के स्वामी है, लग्न का स्वामी है, और 16 तारीख तक नीच के हैं, तृतीय भाव की वजह से नहीं, पर चूंकि नीच के हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें, वाणी को थोड़ा मीठा रखने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। सूर्य नमस्कार तो आप करते ही होंगे, सिंह वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, चाहे लग्न हो या राशि हो, दोनों से ही देखते हैं, दोनों से ही देखना चाहिए। आपका लग्न या राशि इनमें से एक भी अगर सिंह है तो आपको सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना, और नहीं तो इनमें से कम एक करना आपके लिए बहुत बढ़िया है। नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, नहीं भी करेंगे पर आप सूर्य के अच्छे गुणों का कर्तव्य में ला रहे हैं तब भी वो पूजा की तरह ही है। सूर्य क्या है, ज्ञान है, तो अगर आप ज्ञान के पथ पर हैं, सच का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सूर्य जो है लॉयल्टी है, तो अगर आप अपने कार्य के लिए अपने रिश्तों में रेस्पॉन्सिबल हैं, और सूर्य राजा हैं, तो जो आपसे नीचे वाले हैं या कोई ऐसा है जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप उसको पूर्णतः निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सूर्य की पूजा ऐसे भी कर रहे हैं। तो सूर्य की पूजा करने का दूसरा मतलब ये भी है कि सूर्य देव के जो गुण हैं वो आपके अंदर आने चाहिए। जैसे सूर्य जो है कोई फ़र्क नहीं करते हैं कि भाई इस पर रोशनी डालनी है, इस पर नहीं डालनी है, इस पर नहीं डालनी है, तो जब अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो सब बराबर
होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, उसको अमीर पेशेंट आए या नहीं आए या गरीब हो, उसको एक तरह से देखना चाहिए, ना कि अपने फाइनेंशियल गेन को ध्यान में रख के कुछ इस तरह से करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो अपने सूर्य को खराब कर रहा है इस तरह से। इसके बाद देखिए 16 तारीख के बाद सूर्य आपके चतुर्थ में आएंगे। चतुर्थ में आएंगे तो पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छे हैं, पर और थोड़ा सा माता के साथ कह सकते हैं भ्रम रह सकता है, गलतफहमी हो सकती है, मातृभूमि से दूर जाने का योग यहाँ पर बन सकता है। केतु यहाँ पहले से ही है, जब सूर्य केतु के आसपास आएंगे उस समय आँखों का ध्यान रखें, पिता बॉसेस के साथ थोड़ा क्लेशेस हो सकते हैं। ये आपके आएंगे करीब 25 तारीख के आसपास इस तरह से। ये तो रहा सूर्य का। अगर हम मंगल की बात करें जो कि आपके भाग्य के स्वामी है, देखिए मंगल ये जो नवम भाव है ना, भाग्य का भाव है, इसके स्वामी है और चतुर्थ के, तो योग कारक ग्रह हैं आपके। और गोचर में भी पूरे महीने तृतीय भाव में रहकर शुभ हैं, तृतीय भाव में मंगल अच्छा करते हैं, भले ही तुला राशि में। मित्र की राशि नहीं है, थोड़े से इरिटेबल रहेंगे, मतलब आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, पर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, पर अल्टीमेटली आप अपने प्रयास से, मेहनत से, महत्वाकांक्षा से, अपने आप को एक्सप्रेस करके और चीज़ों को जो प्रॉब्लम आएगी उससे भाग कर नहीं, उसको सॉल्व करके अपने भाग्य को बढ़ाने वाले। यात्राएं इस महीने रह सकती हैं, अब्रॉड एजुकेशन जाना हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि नवम भाव हायर एजुकेशन है आपका और मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो कम से कम नवम भाव के लिए पिता है, उस पिता के लिए हायर एजुकेशन के लिए, खास करके एजुकेशन के लिए। इन ग्रहों का भी एक अपना एक रोल होता है, जैसे मंगल है तो पिता को मैलेफिक है ना, तो पिता के साथ या बॉस के साथ तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कराने की कोशिश करेंगे, पर जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनके लिए अच्छे रहते हैं। अब्रॉड कहीं जाना है उसके लिए सही रहेंगे और भाग्य भी साथ देगा, पर कैसे देगा? भाई मंगल के गुणों के थ्रू ही देगा। मंगल क्या है? ट्राई करना, मेहनत करना, हार नहीं मानना, प्रयास करते रहना। वैसे भी जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ बदलना पड़ता है, कुछ करते रहना पड़ता है। जो लोग जिंदगी में कुछ करके दिखाते हैं वो क्या नहीं करते हैं? शिकायत नहीं करते हैं। वो ऑब्स्टिकल को देखते हैं पर फोकस उनका गोल पे रहता है, लक्ष्य पे रहता है। और शिकायत लोग वही करते हैं जिनका फोकस ही ऑब्स्टिकल पे हो, गोल पे ना हो, क्योंकि उनका फोकस चूंकि ऑब्स्टिकल पर है तो उसके बारे में ही बात करेंगे, सोचेंगे, वही बात बोलेंगे। पर गोल पे रहेगा, वो ध्यान तो रहेगा, पर अगर आपका जो फोकस है वो गोल पर है, लक्ष्य पर है, तो आप उसके उसके बारे में बात करोगे, वहाँ कैसे जाना, आगे बढ़ना कैसे है, ना कि इस वजह से क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर फोकस वहाँ लगा जाए क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहाँ बढ़ेंगे इसके बारे में तो सोचने का समय नहीं मिलेगा। तो ये वाली बात है, इस बात को समझना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो ये एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो भाग्य आपका साथ देगा, आज नहीं तो कल देगा। क्योंकि संसार क्या है? कर्म प्रधान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही सिर्फ हमारे हक में है, रिजल्ट तो वैसे भी नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम भी बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि यार वो लक्ष्मण, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं कि भाग्य में लिखा क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम अभी जो कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार है, सही है, और अगर सही है तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य भी उनका साथ देता है, ईश्वर भी उनका साथ देता है, जो स्वयं का साथ देते हैं, अपनों का साथ देते हैं। इसके बाद देखिए हमने बात कर ली मंगल की, पर मंगल की यहाँ से दृष्टियों की बात नहीं की। यहाँ बैठ के मंगल 1, 2, 3, 4 छठे भाव पर, नवम भाव पर और आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि शुभ मानी जाती है मेनली। ये आपके शत्रुओं को परास्त करती है, आपको कंपटीशन आदि में विजय कराती है, पर हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कारण क्या है कि 21 तारीख तक पंचम का स्वामी भी आपका अपने से छठे भाव में जा रहा है, अपने से दूसरे भाव में जा रहा है, मतलब अगर आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे तो लाभ होगा, पर फिर भी ये छठा भाव रोगिण शत्रु का है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मंगल की भी दृष्टि गुरु पे आएगी। हालांकि गुरु मंगल के दोस्त हैं पर फिर भी अब बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। नवम भाव पर दृष्टि अच्छी है, अपनी राशि पर है, भाग्य से आपको अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं दूर जाने का चांस मिल सकता है, भाग्य आपका साथ देगा अगर आप कोशिश करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, अपने आप को सामने आएंगे,
आगे लाएंगे। अगर आप पीछे रहेंगे, सेफ खेलते रहेंगे, किसी को पता ना लगे, क्योंकि अगर दोनों ही रिस्क रहता है ना, अगर आप फ्रंट लाइन पर हैं, अगर आप आगे हैं तो आप लाइट में, आप लाइट में हैं तो आपसे गलती होगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है, पर अगर आपसे फ़ायदा होगा तो उसका अचीवमेंट भी आपको मिलेगा। दोनों ही चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ ग्रह तो यही कहते हैं कि आपको आगे जाकर अपने पराक्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव पे राहु है, उस पर मंगल की दृष्टि है, तो कार्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेने रहने वाला है, ईजी नहीं होने वाला। आप सोचो कि ईजी हो जाए, ईजी तो चीज़ें नहीं रहेंगी, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगा, और आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिजल्ट पा सकते हैं, उम्मीद है, क्योंकि मंगल दशम भाव पर जब दृष्टि डालते हैं, योग कारक ग्रह, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की चांसेस बनाते हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही क्लोज उससे, बहुत ही कंपटीशन के बाद। तो ये रहा मंगल का। बाय चांस मंगल उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें, उनको सिंदूर आदि चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि पढ़ सकते हैं, और उनके गुणों को अपनाएं, उनके बारे में जानें, पढ़ें, क्यों हनुमान जी को मंगल से जोड़ा गया इसके बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे डेली लाइफ में, तो मंगल आपके शुभ होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ मंगल आपके मेल फ्रेंड्स दिखाते हैं, तो उनके साथ रिश्तों को जहां तक हो सके बना के रखने की कोशिश करें। ये मंगल का हो गया, सूर्य का हो गया। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध आपके धन के स्वामी है, धन के भी और लाभ के भी। देखिए ये जो भाव है ना धन का है, धन मतलब जो आपने सेल्फ अर्न मनी है, जो आपने खुद कमाई है, बैंक का है, आपकी वाणी का भी है, और परिवार का है, वैल्यूज़ का है। ये तीसरा भाव लाभ का है, फ्रेंड्स का है, फ्रेंड सर्कल का है, नेटवर्क का है, आपके कहीं ना कहीं जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका भी है, उससे लाभ का है। तो उन दोनों का स्वामी कहाँ गया है? पहले तृतीय भाव में है लगभग पूरे महीने, उसके बाद चतुर्थ में गया है। तो तृतीय भाव में बुध का जो गोचर है अच्छा माना जाता है, और अपने मित्र की राशि में शुक्र उनके मित्र हैं कहीं ना कहीं, पर यह जरूर है कि भाई आपको प्रयास करना होगा धन के लिए, लाभ के लिए। हो सकता है कुछ छोटी मोटी ट्रैवल ज़्यादा हो, कम्युनिकेशन करना होगा, एफर्ट करना होगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। और 21 तारीख के बाद आपको लाभ हो सकता है रियल इस्टेट से, ज़मीन से, अपने परिवार या आपके फ्रेंड्स वगैरह का उसमें कोई रोल रह सकता है, पर जमीन है, खेत है, रियल इस्टेट है, इस सबसे कुछ लाभ होने का चांसेस यहाँ पर बनता है। हो सकता है आप कोई ज़मीन बेचें या घर बेचना चाह रहे हैं तो बिक जाए, उससे कोई लाभ होने को दिखा रहा है। माता से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि माता के भाव में कौन जा रहे हैं? लाभ के स्वामी आ रहे हैं, धन के स्वामी आ रहे हैं, तो माता को लाभ हो सकता है या फिर माता से लाभ हो सकता है। ज्योतिष में कोई एक ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट ऐसा ही है। जैसे आप भगवान श्री राम की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर उनकी कर्क लग्न की कुंडली है, तो देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दशम भाव में मंगल उच्च के हैं, तो ये मंगलिक दोष नहीं हुआ, पर फिर भी चूंकि मंगल हैं बहुत ही और मैलेफिक जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तो माता तो बहुत अच्छी थी और उनकी वजह से नहीं, पर उनके कारण कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स तो बनी गई कि रावण उनको उठा के ले गए। तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति आपको मिले, पर जहाँ मलेफिक होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। अब चूंकि यहाँ सूर्य केतु आ रहे, तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, माता से दिक्कत आ सकती है, मतलब उनकी तबीयत खराब होगी तो आपको भी थोड़ा बहुत उनका करना पड़ेगा। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी है, एक सेवा है, पर वो दूसरी तरह से मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए पंचम भाव में शुक्र आ गए आपके, केतु की भी बात कर लेते हैं। देखिए केतु यहाँ पर आपको फोकस जो है बाहर रखेंगे, आपका जो फोकस रहेगा ना बाहर रहेगा, काम पर रहेगा, ऑफिस में रहेगा, अपने फ्यूचर की तरफ ज़्यादा रहेगा। घर में थोड़ा सा निराशा का माहौल रह सकता है केतु की वजह से, क्योंकि आप टाइम ही नहीं दे पाएंगे, वो बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है, उसको बना के रखना। गणेश जी की पूजा करें, कुत्ते जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत खाना वगैरह दें, बुधवार को ज़्यादा मानते हैं, शनिवार को भी दे सकते हैं, सारे दिन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मछली वगैरह को दाना वगैरह डालना, मंदिर जो होता है ना उसके ऊपर जो झंडा आपने देखा होगा तो अपनी तरफ से कोई झंडा वगैरह फहरवा सकते हैं, केतु के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। इसके साथ केतु अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, थोड़ा बहुत अपने जीवन में अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, मेरे इमोशन क्या हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्राह्मण, आत्मन, ये सब क्या है, और उसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें तो केतु उससे अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए कई बार हम पूरी ज़िंदगी यही दिखने में लगा देते हैं कि बाहर सब क्या चल रहा है,
भाई कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल एकदम जानता है कि भाई ये कैमरा कैसे चलता है, क्या होता है, क्या किस तरह फ़ोटो लिया, बहुत सारी नॉलेज है उसको कैमरे के बारे में, या बहुत अच्छी पिक्चर वगैरह ले सकता है, कोरियोग्राफर है, पर अपने बारे में उतना नहीं है। तो आत्मज्ञान जो है वो केतु है, मोक्ष की तरफ वही ले जाता है। और आप कह सकते हो कि आसपास कितना ही प्रकाश हो और दिए के नीचे ही अंधेरा हो, तो वो प्रकाश शायद कितना भी तेज हो उसका मेन उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो केतु यही चाहते हैं कि आप अपने बारे में भी जानें। तो केतु की दशा में प्रॉब्लम है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ध्यान, अपने बारे में जानने के लिए थोड़ा सा समय दें, चीज़ों में सुधार आएगा। इसके बाद देखिए शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है यहाँ पर आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि पराक्रम है, मेहनत है, और दशम भाव के स्वामी हैं, जो भी कहीं ना कहीं एफर्ट है, हार्डवर्क है, पब्लिक इमेज है। तो उसका दोनों का कहाँ गया रिजल्ट, पंचम में आया हुआ है। मतलब आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, संतान पे काफ़ी फोकस रहेगा, और अगर आप माता पिता बन चुके हैं तो संतान के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइफ में मन में कुछ चलता रहेगा, कुछ उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, या प्रॉब्लम भी ना हो तो कोई कंसर्न रह सकता है, ये दिखा रहा है। अगर आप कोई राइटर हैं, आर्ट, मीडिया, सबसे जुड़े हुए हैं, तो अच्छा योग है आपका, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, कार्य में चेंज आ सकता है, ट्रांसफ़र आदि आपका हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो दशम का स्वामी है ना, अपने से अष्टम जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम का मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप चाह रहे थे अपना कार्य बदलना वगैरह, तो उसके थोड़े से योग बन रहे हैं, इसकी अब इसकी जो है पॉसिबिलिटी आपकी कुंडली में बन रही है सिंह वालों के लिए। ये तो रहा शुक्र का। शुक्र यहाँ से देखिए एकादश भाव को देख रहे हैं, शुक्र और पंचम भाव दोनों ही स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, इन सब से जुड़े होते हैं। तो 21 तारीख के बाद स्पेकुलेटिव गेन के ज़्यादा अच्छे चांस बन रहे हैं, 21 के बाद, 21 से पहले लॉस आदि भी थोड़ा बहुत रह सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र तो ठीक है, अच्छा है, लाभ के भाव को देख रहे हैं, पर इस भाव का जो मालिक है वो 21 तारीख तक छठे में है, तो वहाँ उतना लाभ नहीं दिखा रहा है, 21 के बाद बहुत अच्छा लाभ दिखा रहा है। अब आ जाते हैं गुरु शनि की बात, जो कि आखिरी मिलन है इनका, इसके बाद गुरु शनि अलग हो जाएंगे। गुरु मतलब धर्मा, शनि मतलब कर्मा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गुरु यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, पर शनि उनको उच्च कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं अगले 20 साल तक, अगर आपने अपने आप को भाग्य को बढ़ाना है, अगर आपको धन को बनाए रखना, अपने परिवार को के लिए धन आदि जो आपकी वैल्यूज हैं उनको ग्रो करना है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, आप जो एफर्ट कर रहे हैं उससे लाभ को अगर आपको बढ़ाना है, स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाना है, तो कहाँ फोकस करना होगा? शनि पे, क्योंकि शनि नीच भंग कर रहे हैं गुरु का। और शनि क्या है? कर्मा है, डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत है, वैराग्य है, और रियलिटी है, उसको फेस करना है। तो ये सब चीज़ें लाना पड़ेगा। किस चीज़ से दूर भागना पड़ेगा? शनि की जो नेगेटिव चीज़ें, आलस्य, नशा, एडिक्शन, ये नेगेटिव चीज़ें हैं शनि की। और वहीं हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल होना, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? कमियों से भी आता है, गलतियों से भी आता है, उसके लिए आपको एफर्ट करना होता है, लगातार एफर्ट करने रहता है, आँख बंद करके नहीं सीखते हैं। देखें, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, पर एक ही गलती को रिपीट करते रहना ये बुरी बात है। कई बार हम ये कहते हैं ना, भाई गलती हो गई, ठीक है गलती हो गई, अच्छी बात है, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? अगर कोई गलती नहीं कर रहा है तो उसका मतलब वो जी नहीं रहा है, सीख ही नहीं रहा है, ऑलरेडी डेड। क्योंकि आप अगर जीवन है तो आप कुछ नया नया प्रयास करते रहो, वही जीवन का आनंद भी है, उसमें कुछ गलती भी होगी तो कुछ सीखते भी रहोगे, तो ग्रो करते रहोगे आप, वो अच्छी बात है। पर एक ही गलती को रिपीट करते रहो तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो शनि यही चाहते हैं कि आप ग्रो करते रहें, और जो उनके अच्छे गुण हैं उनको फॉलो करें रियल में, तो आपका अगले 20 साल तक जो है भाग्य चमकता रहेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पर आप फॉलो करके देखेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब गुरु शनि की जो युति है वो 21 तारीख तक है, उसके बाद गुरु यहाँ सप्तम में जाएंगे। आपके लिए गुरु में सप्तम में जाना अच्छा है, क्योंकि सप्तम में गुरु का जो है गोचर बेटर माना जाता है, अच्छा माना जा सकता है। और गुरु जब तक यहाँ पर हैं तो कार्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रहेगा, खर्चा वगैरह थोड़ा बढ़ के रहेगा, पर धन के मामले में ठीक है, मतलब धन पैसा आता रहेगा आपके पास। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहें, दूर जाने का योग बन सकता है, लंबी यात्रा का योग यहाँ पर गुरु बना रहे हैं। गुरु बाई चांस आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो अपने गुरुओं का रेस्पेक्ट करें, माता पिता की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि माता पिता आपके प्रथम गुरु होते हैं। जीवन में जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें।
दिन की जो शुरुआत है वो ग्रेटिट्यूड से रखें। गुरुओं के साथ साथ गुरु बच्चों को भी दिखाते हैं, आसपास जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें, और अगर पॉसिबिलिटी है तो उनकी हेल्प भी करें। गुरु ज्ञान है, तो जितना भी आपके पास ज्ञान है उसका सदुपयोग करें, मतलब उसका उपयोग दूसरों को रास्ता दिखाने में करें। जितना आप अपनी तरफ से, मतलब आपकी जो मन से जो है ना आशा, आप कहेंगे मन से जो आपकी चाहत है दूसरों की अच्छाई की हो, जो आप ज्ञान देंगे उसका जो पर्पज है दूसरों का अच्छा करने के लिए होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। इसके साथ साथ नहाने के पानी में हल्दी केसर का यूज करना, गीता के सारे अध्याय भी पढ़ सकते हैं अगर समय हो, नहीं तो दूसरे साथ में दसवें अध्याय का पाठ करना, उसको जीवन में उतारना काफ़ी हद तक आपको गुरु को बेटर करता है, अच्छा करता है। ब्राह्मण आदि हैं उनको कुछ पीले कपड़े आदि का दान करना, ये भी गुरु के लिए बढ़िया रहता है। और जो भी रेमेडी करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं, रिजल्ट के लिए नहीं, और करते रहते हैं तब जाके उसका रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि आप करोगे फिर रिजल्ट की वेट करोगे, फिर नहीं आ रहा है तो फिर बंद कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद देखिए शनि की बात कर लेते हैं। शनि छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, एफर्ट तो कराते हैं, मेहनत तो कराते हैं, पर आपके शत्रुओं को शांत करते हैं। बहुत समय से जो लंबी समय से जो प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं जब शनि छठे भाव में होते हैं। यहाँ से आपकी लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था पिछले समय में, वो कहीं ना कहीं आपको एक ठहराव देने लगता है लाइफ में। जहाँ आप आ गए वहाँ पर एक सेटलमेंट सा होने लगता है। आप शनि के समय में 2020 के आसपास हो सकता है कहीं आपका चेंज ऑफ प्लेस रहा हो, उस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है। और शनि जो है यहाँ से आपके तृतीय भाव को देखते हैं, तो तृतीय भाव मतलब आपके आसपास भाई बहन पड़ोसी, उनसे दूरी बन सकती है आपकी थोड़ा सा, वहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। पर आप जो एफर्ट करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो आप कम्युनिकेशन करेंगे, वो फाइनेंशियल लेवल पर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ये शनि की रेमेडी भी बता देते हैं कि भाई शनि की कर्मा है जो मैंने अभी बात की है, वो सेम रेमेडी है। कर्मा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा, माता काली की पूजा बहुत अच्छा है शनि के लिए। खुद शनि को भी आप दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पसंद करता हूँ कि हनुमान जी माता काली इनकी डायरेक्टली जो पूजा है, वो डायटी की जो पूजा है वो ज़्यादा फेवर करता हूँ। और पीपल के पेड़ की पूजा भी हम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वो कहने का मतलब ये है जो नाग हैं उसमें आदिशेष हूँ मैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उसमें कहीं ना कहीं हम ईश्वर को प्रतीक मानते हैं, ये है उसका अर्थ। शनि की दृष्टियों की भी बात कर ली हमने, जब मैंने बताया दृष्टियों को शामिल किया है उसमें, जैसे शनि की ना 1, 2, 3, तो आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव है उसमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट शनि ले आएंगे। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष रिसर्च, इस सब में आपकी रुचि बढ़ा देंगे। और ये संयुक्त दृष्टि 12 में भाव पर है, तो खर्चा वगैरह, चेंज ऑफ प्लेस, फॉरन जाना, ये सब अध्यात्म, ये सब में रुचि आपकी बढ़ाएंगे। और तृतीय भाव पर दशम दृष्टि है, उसकी भी बात कर ली। इसके बाद देखिए सप्तम भाव में गुरु आएंगे 21 तारीख के बाद। 21 तारीख के बाद शादी विवाह, लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये जो भी चीज़ें होती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब उनके लिए अच्छा समय है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि भाई आपके जीवन में कोई रिश्ता वगैरह है, उसका चांसेस है। अगर आप खुद ट्राई कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपको वो ऐसा मनपसंद व्यक्ति मिले जो आपके सोच वगैरह मिलती हो, तो उसका चांसेस ज़रूर बन रहा है 21 तारीख के बाद जब गुरु यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो उनकी दृष्टियाँ भी देखिए एकादश भाव पर आएगी, लग्न पर आएगी, तृतीय भाव पर आएगी। तो 21 तारीख के बाद जो गुरु हैं वो आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ाने वाले हैं, मित्रता आपकी बढ़ सकती है। आप लंबी सोच रखेंगे, आज के फायदे को ना देखकर आप लंबा देखेंगे, आपका जो देखने का जो व्यू होगा ना वो 1-2 साल का नहीं 10-20 साल का होगा। इसी को हम विद्वत्ता भी कहते हैं। कुछ लोग बहुत निपुण होते हैं आज की बात में, मतलब आप उनसे बात करोगे 1-2 रुपये की भी, एकदम मतलब 1 रुपये कम ज़्यादा बहुत अच्छा उसको कैलकुलेटेड कर लेंगे, पर वो आगे की सोच नहीं रखते हैं। उनकी सोच बस आज से शाम तक की रहती है। अब जब सोच ही ना हो, लक्ष्य ही ना हो, तो बढ़ोगे कैसे? मतलब आपको जाना ही पड़ोस के घर में है, तो दिमाग तो पड़ोस के घर के जाने का रास्ता ही देखेगा ना, और उसकी जो मुश्किलें हैं उनको हटाने की सोचेगा। पर अगर आपको दिल्ली जाना है, मान लिया कि आपसे दिल्ली बहुत दूर है, या फिर कश्मीर बहुत दूर है, वहाँ जाना है, तो फिर वो उस तरह से सोचेगा। या फिर आपको अमेरिका जाना है, या फिर आपको कोई बड़ा गोल है, तब दिमाग उस तरफ चलेगा। पहले लक्ष्य तो बनाओ, फिर उस तरफ रास्ता भी बनेगा। और रास्ता बनेगा तो ऐसा लग सकता है कि भाई वहाँ तक का कोई रास्ता है ही नहीं, कैसे जाया जाए, तो जहाँ तक का दिखे वहाँ जाइए। जो लोग उस रास्ते पर गए हैं उनसे मिलिए, और जो लोग वहाँ जा चुके हैं उनसे मिलिए। थोड़े बेशरम भी बनना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब लोग पहुँच गए वो आपको शायद
इजीली तो नहीं हेल्प करें, तो थोड़ा बेशर्म भी बन सकते हैं। ज्ञान पाने के लिए जो स्टूडेंट थे पहले ज़माने में, बहुत बार ऐसा मिलता है, उस गुरु की सेवा करते थे। वो ऐसा नहीं गुरु सेवा कराना चाहते हैं, वो वास्तव में देखना चाहते थे कि भाई इसकी जो लगन है, जो चाह है, वो है कितनी। ऐसा तो नहीं कि दो तीन घंटे भाई वेट करा दिया तो हम तो जा रहे हैं, भाई ऐसा कैसे हमको वेट करा दिया। वो समझने वाली बात है, गुरु अपमान नहीं करना चाहते थे, बस वो देखना चाहते थे कि लगन कितनी है और ईगो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह से ये गुरु का भी हो गया। इसके बाद देखिए ये जो भाव है अष्टम भाव, उसका स्वामी पहले छठे में रहेगा फिर सप्तम में रहेगा। अष्टम का स्वामी अगर छठे में है तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना 21 तारीख तक। उसके बाद मैरिज लाइफ में भी, मैरिज लाइफ का लिए तो अच्छा है, प्यार के लिए तो अच्छा है, पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके स्पाउस का मन अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस सब में लग सकता है। आपके जो इन लॉज हैं, जो सास ससुर हैं, उनका इंटरफेयर आपके मैरिज में हो सकता है। वैसे ही उनका फोन आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि डिसाइड तो आपकी जन्म कुंडली करेगी ना, ये तो एकदम सबके लिए है, तो सभी के लिए एक सा नहीं होगा, पर इस तरह का कुछ हो सकता है। और ये देखिए इस भाव की हम बात कर चुके हैं, मंगल इसके स्वामी है, तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य के लिए आपको पराक्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट डालना होगा, तब जाके आपका भाग्य साथ देगा। अब्रॉड एजुकेशन आदि के काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। दसम भाव का स्वामी अपने से, ये दसम भाव का जो स्वामी है जो शुक्र है, अपने से अष्टम जा रहा है। कार्य में क्षेत्र में बदलाव भी हैं, ट्रांसफर आदि भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप कहोगे कंपटीशन भी इस महीने रहने वाला है। राहु वहाँ पर है तो माँ दुर्गा की पूजा करें और ओम दुम दुर्गा नमः का जाप कर सकते हैं बुधवार के दिन, चाहें तो हर दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक माला कम से कम करें, दो माला करेंगे और भी अच्छी बात है, और दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ भी कर सकेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। राहु दशम में अच्छे होते हैं, किस चीज़ के लिए, आपको फौरन यात्रा करा सकते हैं, आपकी समाज में स्थिति ऊंची कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ा सकते हैं, पर हर चीज़ के लिए नहीं। लाभ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, खर्चा काफ़ी रहेगा, पर स्टेटस में वृद्धि यहाँ पर राहु आपके करा सकते हैं। और भाई बहन पड़ोसी आदियों से संबंध को थोड़ा सा बना के रखना होगा, अदरवाइज राहु यहाँ पर अच्छा करने वाले हैं। ये जो एकादश भाव है और लाभ भाव है, इसका स्वामी मैं बात कर चुका हूँ कि वो तृतीय भाव में आ रहा है, तो लाभ के लिए आपको 21 तारीख तक मेहनत, पराक्रम, ये सब, और 21 तारीख के बाद माता से, जमीन आदि से लाभ हो सकता है। 21 तारीख से पहले आपके पराक्रम से, मेहनत से, एफर्ट से, और छोटे बड़े भाई बहनों से कुछ लाभ होने का चांसेस बनता है, हालांकि रिश्तों में खटास रह सकती है। बारे में भाव को चंद्रमा है, देखिए उसको तो देख नहीं सकते, बहुत तेज़ी से बदलता है, पर ये जरूर है कि 21 तारीख तक बारे में भाव पर गुरु शनि की दृष्टि है, तो काफ़ी हद तक 21 तारीख तक अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इस सब का चांसेस है। हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल भी है और आश्रम भी है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो ले जा सकता है, पर हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भाव जो है हिडन थिंग्स में है, छुपी हुई चीज़ें, जैसे कि आपका एडिक्शन हो गया, नशा वगैरह, कोई सामने नहीं करता ना, छुपा के करता है। कुछ सेक्स वगैरह हो गया, वो भी सब लोग छुपा के करते हैं, उस तरफ भी थोड़ा सा रुचि बढ़ा सकता है 21 तारीख तक, पर उसका ध्यान रखें। आपको पता है क्या सही है क्या नहीं है, यू शुड बी द मास्टर। ऐसा ना हो कि मन आपको चला रहा है, मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को अपने अनुसार चलाना है, क्योंकि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना मन रहा भुलाए भ्रम में डाले। तो मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तो फिर चीज़ें बेटर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। उसके लिए क्या करें, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अच्छे संग, सत्संग, ये प्रयास, धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी ना, एकदम से नहीं होंगी। तो ये हो गया सारी कुंडली का एनालिसिस। अब इसके बाद आ जाते हैं महीने के त्यौहार। इस महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं, पहले तो सारे त्यौहारों की आपको बधाई हो, फिर शुरुआत कर देते हैं। देखिए 1 तारीख को सोमवार को रमा एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तारीख को धनतेरस है मंगल की, तो धनतेरस लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं, धन से जोड़ते हैं, तो आपके जीवन में धन आए और ज्ञान का भी धन आए और वैसा भी धन आए, जो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 3 तारीख को बुधवार को मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना अहम, न मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त ही मैं हूँ, तो कौन हूँ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तारीख को दिवाली है, नरक चतुर्दशी है, कार्तिक अमावस्या है, दीपावली की, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्यौहार है आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां, सक्सेस, ज्ञान, शांति लेकर आए।
5 तारीख को शुक्रवार को गोवर्धन है, 6 तारीख को भैया दौज है, ये भी हमारे त्यौहार हैं, 10 तारीख को बुधवार को छठ पूजा है और 14 तारीख को देवोत्थान एकादशी है। तो त्योहारों पे बस त्यौहार हैं हमारे, इस बार एकादशी जो है रविवार की है। 16 तारीख को फिर से प्रदोष व्रत है और संक्रांति है। संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए संक्रांति के दिन अपने पितरों को याद करना, उनके लिए कुछ दान आदि करना और गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना बहुत अच्छा माना गया। इस दिन मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अच्छा समय होता है, व्रत आदि के लिए भी। जो लोग संक्रांति के दिन ही पैदा हों तो उनको तो अवश्य करना चाहिए। इसके बाद देखिए 19 तारीख को शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है, 23 तारीख को संकष्टी है, जो विघ्न विनाशक गणेश हैं उनकी एक तरह से पूजा करते हैं लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 30 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। तो ये रहे इस महीने के त्यौहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, तो फॉलो कीजिएगा, फेसबुक ट्विटर आदि का। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।